खाली मैसेज देना चाहूंगा हमारे सभी भाइयों को जो देवनार विजिट करते हैं, बकरा ईद की कुर्बानी के लिए अपने नमाजों की कुर्बानी मत दीजिए, थोड़ी शौक की कुर्बानी देकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ईद की कुर्बानी भी जरूर कबूल करेगा। दोस्तों भी अभी 1,11,755 बकरे उतरे हैं, जिसमें से 6,692 बिक चुके हैं, बाकी है 1,05,000। मेरे हिसाब से ये रीडिंग सही नहीं है, 1.5 लाख से ज्यादा बकरे अभी मंडी में प्रेजेंट है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों देवनार बकरा मंडी डे 5 है और यहाँ पर हमारे सामने है दो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मेंढे, कच्छ के मेंढे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल समद है भाई। कहाँ से आया भाई आप? भाई मैं लोनावाला से आया। तो भाई ये जानवर दो है या और भी है? भाई मेरे पास में 9 जानवर है टोटल, 7 बकरे और 2 मेंढे। तो भाई क्या डिटेल है जानवर के? डिटेल ऐसी है भाई, 100 केजी के ऊपर एक मेंढा है ये। अच्छा। और 6 दांत पे एक मेंढा है। 6 दांत पे, दोनों 6 दांत पे? और दोनों एक ही माँ के अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग है। अच्छा, तो क्या मांग रहे हो भाई दोनों का? दोनों का ऐसा तो मांगना भाई 1:10 है, अगर आपके चैनल पे से अगर कोई आता है तो 85 कर देंगे। मतलब एक का 85 है, दोनों का मिलाकर 85। तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो मेंढे लेने में, बहुत ही खूबसूरत है, दूर से देख के आपको पसंद आ जाएंगे, तो भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर बताइए। 8806378220। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब्दुल समद नाम है। और भाई ये इसके अलावा और कौन कौन से जानवर है मेरे पास में? हाईपेट है, कोटा है, मालवा है, शिरोई है, सोजत है। तो ये आपका शौक है या आपका ये शौक है भाई? फुल टाइम काम यही है? नहीं नहीं, शौक है, पार्ट टाइम बिजनेस है। अच्छा। ऐसा तो मैं इलेक्ट्रिशियन सीसीटीवी का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बचपन से आपने पाले हो या अभी? मतलब बचपन से पले हुए, लोनावाला में पले घर में, लोनावाला में। और क्या देखा जाता है भाई ऐसे मेंढे लेते टाइम? मतलब गोलाई देखते हैं, उनकी जो लेंथ वगैरह है वो देखना पड़ता है, उनकी जो मुंडी है वो बड़ी देखना पड़ता है। अच्छा। झुमका भी देखना पड़ता है इसके। तो आपके मेंढे में मतलब सारे फीचर्स हैं? जी भाई, सारे फीचर्स है, आप दिखा सकते हो। थोड़ा चला कर दिखाइए इनको। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मेंढे है और देवनार धक्के के सामने ही है ये। भाई का नंबर भी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत प्यारे जानवर है माशाल्लाह। तो आप बता सकते हो दोनों में से आपको ज्यादा अच्छा, बेहतरीन कौन सा लगा, खूबसूरत कौन सा लगा? दोनों ही अच्छे हैं, इसका कलर बहुत अच्छा है। दांत दिखा दो भाई। दांत मत दिखाओ, दांत तो जो बेचलेगा भाई 1,10,000। तो जिस किसी को भी भाई को इंटरेस्ट हो आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली भाई को, इनके पास और भी जानवर है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच भाई। जी शुक्रिया। फ्रेंड्स, अभी देवनार बकरा मंडी में ये भाई ने एक बकरा परचेस किए है और चलिए देखते हैं भाई को क्या डील मिली है, क्या रेट में मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है भाई आपका? कैफ भाई। कैफ भाई कहाँ से आए हो आप? अपन मुमरा से आए भाई। मुमरा से ही? तो माशाल्लाह। और कितने में मिला बकरा ये अपने को? 23 में मिला। सामने लो भाई जरा। भाई संडे का दिन है और मंडी टाइट है, भाई ने 23,000 में बकरा लिए है, कैसे मिल गया? बस मिल गया किस्मत से, पूरी मंडी ढूंढने के बाद मिल गया भाई। तो कितनी देर से ढूंढ रहे थे? सुबह से ही ढूंढ रहे भाई। कितना घंटा? फिर भी अप्रोक्स 3 घंटे से घूम रहे। तो 23,000 में बकरा मिला है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मिला है, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। एक ही बकरा लिए और भी लिए? एक और एक लिए भाई। वो कितने में मिला? वो अपने को 35 में मिला। वो भी अच्छा है माशाल्लाह, खस्सी। हाँ। चलो बहुत ही अच्छा बकरा मिला है। तो कोई टिप देना चाहोगे ऐसा बकरा लेने के लिए? टिप बस ढूंढो, किस्मत में मिला तो मिल जाएगा भाई। नियत साफ रखो। नियत साफ रखो। चलो इंशाल्लाह। आप बता सकते हो आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच। ये 35,000 वाला है ना? ये 35,000 में? सेम जगह से लिए अलग से लिए? अच्छा अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये खस्सी अंडुल है? अंडुली है वो, लेट खस्सी है। लेट खस्सी है, लेट है ना। चलो अच्छा है माशाल्लाह, बकरा लेंथ वेंथ बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आज हम वापस आ गए हैं बीबी के गोट फार्म के बाड़े पे, S5 बाड़े में, और सामने इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई आज बाड़े में सारे नए बकरे दिख रहे हैं। हाँ। और आज रौनक बढ़ चुकी है जी भाई। तो माशाल्लाह स्टेज पे और ज्यादा कश्मीरी आ गए हैं। जी जी। तो भाई ये फार्म के ही या नए लाए हो? नहीं ना भाई, अपने फार्म के बच्चे। अच्छा, तो ये क्या डिटेल पर रहेंगे भाई? बड़े बड़े, बहुत बड़े बकरे यार ये।
भाई बहुत बड़े बकरे हैं। क्या वजन पे रह गया तुम्हें ये? भाई ये 115 किलो पे, 115-120 किलो, 115 किलो पे। इसको उठा सकते क्या अभी? उठा सकते हैं। माशाल्लाह ये कश्मीरी बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह ये कश्मीरी बहुत ही खूबसूरत है भाई। इसका मेंटेनेंस कितना लगता है महीने में? अरे भाई पूछो मत, मेंटेनेंस का ही तो बता रहा हूँ। दाना तो क्या है भाई, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसमें क्या है, मेन मेंटेनेंस है। अच्छा। हाँ, इनमें शैम्पू, कंडीशनर, फिर कंघाई, ये सब ड्रायर सब मारना पड़ता है भाई। इनको इतनी गर्मी में तो बॉडी टेम्परेचर ठंडा कैसे रखते हैं पूरे बाल के साथ में? इन लोगों के लिए फैन रखे भाई इधर अंदर, सबके लिए अलग अलग पर्सनली? नहीं नहीं सबके लिए, अभी 2-3 फैन थे वो तो अभी उन लोग लेके गए, बाकी तो जितने हैं उन लोग को हम लोग घुमा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बोल रहे 115 किलो के आसपास है जी भाई, और ये वाला भाई 105 किलो। 105 किलो, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सिक्के में। और कौन सा नया बकरा है? ये वाला छोटा वाला, ये कौन सी नस्ल है? बेंटम है, एकदम फरी बेंटम, एकदम फरी बेंटम। माशाल्लाह ये एग्रेसिव भी है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। अभी इसका सौदा हो गया या देना है? नहीं सौदा तो चल रहा है उसका, सौदा चल रहा है। ये वाला कोटा कल था, ये आज आया है? एक मिनट रुको जरा। इब्राहिम भाई ये जो सामने कोटा है ये कल था या ये भी नया आया है? नहीं नहीं ये था भाई, ये था ना। और ये जो बोर है यहाँ पे, कल काला आरी जैसा बोर था वो बिक गया, अब ये दूसरा है। ये तो और बड़ा है उससे? उससे बड़ा है। क्या डिटेल रहेगी बकरे की? भाई तकरीबन ये जो है 125-130 किलो। माशाल्लाह ये तो बहुत ही बेहतरीन है। तो इब्राहिम भाई यहाँ पे अब तक कितने बकरे सेल कर चुके हो दिनार आके? भाई अभी ऐसा गिने तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा लॉट है। तीसरा लॉट है, इसके बाद और आएंगे? अब देखेंगे इंशाल्लाह, अभी वैसे तो और 2-3 बकरे हैं, लेकिन अभी ये जो लाए अगर बिक जाएंगे तो इंशाल्लाह और लेके आएंगे। तो देवनार आने के बाद शौक पूरा हो रहा है भाई? होएगा ना, हम लोग शौक से तो लाते, इधर कमाने के लिए तो आते नहीं हम लोग, इधर कमा तो बाहर भी लेते फार्म में। वो तो बात सही है, माशाल्लाह बकरे एक से एक है। पीछे वो चॉकलेट वही है ना जो पहले था? हाँ चॉकलेट है। तो भाई अपने वो कश्मीरी कितने में देना है, अगर कुछ ऐसा अंदाजन बता सकते हो? भाई कैसा है कि आपके सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हैं वो यहाँ पे आ जाए जी, और इंशाल्लाह यहाँ के जो भी है ऊपर नीचे इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा अच्छा, फिर भी कश्मीरियों का रेट क्या होता है? कुछ भाई तकरीबन अपने पास लाख रुपए से लेके तो 3 लाख रुपए तक के कश्मीरी। अच्छा, नहीं लोग कश्मीरी को नॉर्मल बकरों के रेट में काउंट? नहीं नहीं, ये सब भाई नॉर्मल बकरे तो है, नॉर्मल है तो 25-30 हजार के भी कश्मीरी काउंट होते हैं। जैसा कोटा में 25-30 हजार के आ जाते हैं छोटा कान वाले, काली चमड़ी वाले, हाँ वैसा इनमें भी आ जाते हैं भाई। अच्छा, क्वालिटी तो भाई कोई भी जानवर लो तुम, हाँ सूजत लो, पतीरा लो, सब में क्वालिटी आती है, हंसा लो। तो ये अलग क्वालिटी है आपका? ये भी क्वालिटी है माशाल्लाह, दिखता है ना बड़ी फ्रेम इतना माशाल्लाह। कितने टाइम से भाई तुम्हारे पास ये? अपने पास साल बराबर है जानवर। अच्छा अच्छा, तो ये कितने वजन पे था पहले? 75 किलो, और अभी 115 माशाल्लाह, मतलब कितना 45 kg? 40 से लेके तो 60 किलो तक का एवरेज है ही है। वो बकरा इंशाल्लाह बड़ी फ्रेम का देगा, उसको और भी अच्छा इंशाल्लाह वेट। भाई चलो बकरे के अलावा फार्म की बात करते हैं एक बार जी भाई। अगर बकरा पलाय पे देना है किसी को तो बीबीके पे क्यों दे भाई? ये माशाल्लाह सामने खड़े बकरे। अच्छा, ऐसा नहीं है, रिजल्ट भी इंशाल्लाह आप देखेंगे हम लोग का, तो हम लोग 40-50 किलो तो देते हैं ये साल में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऐसा है कि भाई हम लोग का जो फार्म है ना वो हाईटेक फार्म है, जमीन से ऊपर है जी, और सब प्लास्टिक की फ्लोरिंग है, तो हम लोग को तो भाई कैसा है मेंटेन करने, मेंटेन तो करते ही है, लेकिन जानवर भी मेंटेन रहते हैं उसमें। हाँ, जानवर खाना वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऐसा है कि सामने देख लो रिजल्ट है सब माशाल्लाह। खर्चा तो किया भाई फार्म पे, और बाकी डाइट वाइट कैसी रहती है? कुछ डाइट देते हो या डाइट नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो नॉर्मली देते वही हम लोग भी देते। अच्छा, बाकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दे देते। अच्छा अच्छा, तो कुछ ऐसा तुम्हारा भी कुछ स्पेशल मसाला? नहीं नहीं नहीं, कोई मसाला वसाला नहीं है, कुछ चीजें है जो अपन ओपन नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, बाकी हम लोग ऐसा कोई स्पेशल ना मसाला है ना जादू की बूटी है, कोई भी नहीं ऐसी चीज। अच्छा अच्छा, मसाला बकरे बहुत ही बेहतरीन है। ये सब भी तुम्हारे छोटे बकरे? नहीं बच्चे भाई, ये सब फार्म के ही है। फार्म के ही है भी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे है, और ये सब आज आए हैं, जैसे कि इब्राहिम भाई ने पिछले वीडियो में बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले हैं, नेक्स्ट हाँ आएंगे इंशाल्लाह, और आएंगे इंशाल्लाह। अभी बजट में है कोई?
लो बजट में, लो बजट में है ये सब, लो बजट वाले ये पीछे सब लोग। और यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा था मुझे, हाँ वो घंटा वो तो दे दिया था। किसको दिए? वो अरफात में लेके गए बाबा फालू का। अच्छा ये देखो ये है ना, ये दिए क्या? दे दिए बाबा। अच्छा अच्छा, तो अगर भाई अगर किसी को फार्म पे पलाई के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बकरे देना है तो कांटेक्ट किस पे करना है? ये नंबर है 9082353121, सैफ का भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, कांटेक्ट करो आप। ओके, 3000 से लेके 3500 रुपए पलाई चार्जेस है। हाँ। छोटा आएगा इंशाल्लाह तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे, तो नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट पलाई में नहीं आएगा भाई, अगर मैं पलाई में नेगोशिएट करूंगा तो मेरे को फिर खाने में नेगोशिएट करना पड़ेगा, मिट्टी हटाना पड़ेगा, वो गलत बात हो जाएगी। फिर वही बात है ना भाई, वो फिर बकरा बनेगा नहीं, फिर मैं वही बोल रहा हूँ भाई, तुम अगर मेरे को कम देगे हाँ फिर मेरे को भी वैसा, लेकिन हम लोग ऐसा करते तो नहीं है, कम पलाई में तो भाई जानवर को हम लोग कैसे खिला पाए, कितना महंगा सब पत्ती से लेकर। तो सही बात है, तो भाई तुम्हारा भी कोई मिक्स फीड है या क्या है? वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो नॉर्मल सब चीजें देते वही देते, चना मक्का जौ ये सब सीजन वाइज चेंज कर देते हैं। अच्छा, और भराई भी अभी करते हो या भराई बंद? भराई बंद करती है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आता साल है इंशाल्लाह उसके लिए अपन करेंगे। माशाल्लाह इब्राहिम भाई का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत वायरल है, जो भराई करने के तरीके बताते उसमें बताए, तो भाई वो वीडियो से रिस्पांस कैसा आया था तुमको? अरे माशाल्लाह भाई इतना रिस्पांस आया था कि मेरे को नंबर बंद करना पड़ा। तो अभी वो नंबर क्या हुआ? नंबर बंद कर दिया भाई, बहुत मतलब समझो सुबह में उठ रहा हूँ रात में सो रहा हूँ, बकरे को जुला हो रही है, बकरा बकरे के बाल खड़े, सबको जवाब दे दे के भाई बाद में मैं भूल गया कि मेरे को बकरा कैसा पालने का। रिश्ते उसके आए बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस था भाई उसमें। रिश्ते रिश्ते हाँ रिश्ते है रिश्ते, रिश्ते भी बहुत आए। कहाँ से है? अभी जाते तो है पाकिस्तान से है रिश्ते। चलो अच्छा है माशाल्लाह। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे लाइक जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके बताइए इनमें से आपको कौन सा बकरा ज्यादा पसंद आया। ये वाला बोर बहुत खूबसूरत है, हैवी वेट बोर है, यहाँ माज भाई जो है थोड़ा आराम फरमा रहे, काफी देर हो गई है हमें, आज बहुत देर से आए थे, शाम हो गई है और गर्मी से हाल बेहाल है। ये वाला कश्मीरी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसके सिक्के आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त सिक्के है। ये वाला कश्मीरी भी बहुत अच्छा है, पीछे जो है चॉकलेट नाम के जैसे है, मिल्क वाली और कैडबरी दोनों का मिक्सचर है। बैक साइड पे एक और बड़ा कोटा है, यहाँ पे सानेन देखिए बहुत ही खूबसूरत सानेन है, ये बेहतरीन। ये एक और बकरा है कोटा में, काफी लंबे कान है, काफी बड़ी फ्रेम का बकरा है। अरे बाप रे, यहाँ पे एक और कश्मीरी है, एग्जॉटिक की मंडी हो गई है पूरी है। इस जगह पे एक और कोटा है जो कल भी था, छोटा बैंटम एक और है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पे लाइक जरूर करें, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको बकरे कैसे लगे। करो मैं बात करता हूँ तुम, ए जीशान हाँ, ये पूरा अपना ही है भाई। अपना तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो की एंड में एक खाली मैसेज देना चाहूंगा हमारे सभी भाइयों को जो देवनार विजिट करते हैं, बकरा ईद की कुर्बानी के लिए अपने नमाजों की कुर्बानी मत दीजिए, थोड़ी शौक की कुर्बानी देकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ईद की कुर्बानी भी जरूर कबूल करेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।